Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तिगत अंगीकार, आप सबका एक व्यक्तिगत अंगीकार होना बहुत जरूरी है। आमीन। यशाया 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा परमेश्वर के ऊपर और ना थरथराऊंगा, और प्रभु यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका उद्धार करता कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिए वचन की ओर, परमेश्वर आपका उद्धार है, परमेश्वर आपका बल है, परमेश्वर आपका भरोसा है। जब तक आपके अंदर परमेश्वर की जान पहचान नहीं होगी, याद रखिएगा, परमेश्वर के साथ आपकी जान पहचान होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर मेरा उद्धार है, ये अंगीकार आपको रोज करना चाहिए। यशाया 12वां अध्याय की दूसरी आयत के मुताबिक रोज आप अंगीकार करें, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मैं परमेश्वर से थरथराता हूं, और प्रभु यहोवा परमेश्वर मेरा बल है और वो मेरे भजन का विषय है। ये आपको रोज अंगीकार करना चाहिए, रोज अपने घर में बोलिए, रोज अपने स्थान पर खड़े होकर बोलिए, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा भरोसा है, मैं परमेश्वर से थरथराता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है और परमेश्वर मेरे भजन का विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके जीवन के अंदर इस तरीके का अंगीकार आ जाए तो आपका भविष्य खुशहाल हो जाएगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, कैसे आपके जीवन पर आशीर्वाद बढ़ सकते हैं, कैसे आपके जीवन के अंदर अनुग्रह बढ़ सकता है, कैसे आपकी आशीषें भरपूर मात्रा में दिखाई दे सकती है, उसका एक ही तरीका है और वो है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा भरोसा है और परमेश्वर से मैं थरथराता हूं, और परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरे भजन का विषय है। ध्यान से सुनिएगा, तीन व्यक्तिगत अंगीकार आपको अपने जीवन में हमेशा करने चाहिए। व्यक्तिगत आपका अंगीकार होना चाहिए। किसी व्यक्ति को बहुत रोका गया कि आप धर्मी नहीं बन सकते, हम आपको धर्मी बनने से रोकेंगे, पर वो रोज बोलता सुबह उठकर, मैं धर्मी बनूंगा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं धार्मिकता में चल सकता हूं, मैं धर्मी पक्का बनूंगा। ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति बना, उसने धार्मिकता को बयान किया। यदि आप कहते मैं क्या करूं, उठ नहीं पाता, यदि आप कहते मुझसे सुबह आंख नहीं खोली जाती, क्या करूं सुबह सुबह उठा नहीं जाता, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये आपने अपने हालात के साथ मित्रता कर ली। आप अपने हालात में ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर से मैं थरथराता रहूंगा, परमेश्वर मेरा बल है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, आमीन, और मैं तो भजन
का विश्व भी परमेश्वर को बनाऊंगा। आमेन, आमेन। जब इस तरीके की सोच आप रखते हैं, जब इस तरीके के ख्यालात आप रखते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तिगत तीन प्रकार का अंगीकार है जो आपको व्यक्तिगत करना है। वो है, पहला, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। जब तक आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपके घर के हालात नहीं बदलेंगे। अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करें और कहें, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। नंबर दो, व्यक्तिगत विश्वास कीजिए, व्यक्तिगत विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए परमेश्वर के ऊपर और बोले, मैं भरोसा रखूंगा। आपको भरोसा होना चाहिए अपने परमेश्वर के ऊपर। आपको भरोसा होना चाहिए कि जब आप बाहर निकलेंगे वो आपको सुरक्षा देगा। आपको भरोसा होना चाहिए कि जब आप प्लेन में बैठे हैं तो प्लेन क्रैश नहीं होगा, प्लेन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आपको भरोसा होना चाहिए। आपके पापा आपसे कहते हैं, बेटा तू अमेरिका में जब जाएगा तो मैं पैसा भेजता रहूंगा, आपका भरोसा है। तो आपको भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर ने आपसे कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर कहता, मेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रह, तो मैं तुझे स्थिर करूंगा, सिद्ध करूंगा और ठीक समय पर बढ़ाऊंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम पृथ्वी पर ऐसा कौन सा घर बनाओगे जिसमें मैं रह सकूं? तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है, मैं तुम में रहना चाहता हूं। आपको भरोसा रखना है, अब तक जो कुछ परमेश्वर ने आपके विषय में कहा वो सत्य है। आमेन। आपको भरोसा करना है कि मैं घर से निकलूंगा, वो मुझे सुरक्षा देगा, क्योंकि बाइबल कहती है, जहां जहां तू जाएगा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप कह सकते हैं परमेश्वर को, प्रभु मैं आकाश और पृथ्वी को आपने बनाया, इसलिए मैं अपनी आंखें आपकी ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता आपकी ओर से आती है। भरोसा रखिए। आपको विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, कि परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको अपना आशीर्वाद देगा। हालेलुया। घोषित, अपने अंगीकार को घोषित कीजिए, अपने अंगीकार की घोषणा कीजिए, अपने अंगीकार का आश्वासन दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मुझे आपके ऊपर विश्वास है और मैं अंगीकार करता हूं कि मैं शैतान से न डरूंगा, मैं दुष्ट आत्मों से नहीं डरूंगा, मैं अंधकार की ताकतों से नहीं डरूंगा। बाइबल कहती है, पत्रस जी को यीशु के नाम पर प्रचार करते हुए कुछ विरोधियों ने पकड़ लिया और प्लान बनाया गया, जैसे यीशु को क्रूस दिया गया था इसको भी क्रूस दो, क्योंकि पकड़ने वाले रोम सरकार के थे। ये यही बात पत्रस को मालूम हुई कि मुझे क्रूस देने पर है, और जैसे क्रूस के पास लेकर गए तो पत्रस पहले ही पक्का घोषणा कर रहा होगा, पहले ही परमेश्वर से कह रहा होगा, प्रभु मैं व्यक्तिगत आपके ऊपर भरोसा करता हूं क्योंकि आप मेरे उद्धार करता है और मैं अंगीकार करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या विश्वास दिलाता हूं? मैं मौत से ना डरूंगा। और पत्रस ने क्या बोला? अरे 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 अरे, मुझे सीधा मत चढ़ाओ, मुझे मौत देनी है सीधे जैसे यीशु को दी थी, ऐसे मत तो, ऐसे तो मेरा स्वामी चढ़ा था, उसका नाम यीशु है, मुझे उल्टा चढ़ाओ।
जैसे पत्रस ने ये बात बोली होगी, नहीं 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 मुझे ऐसे मत चढ़ाओ, तो सिपाहियों ने सोचा का देखा डर गया ना, अंदर कह रहा था मैं नहीं डरूंगा, सब डरते हैं मौत से, कौन नहीं डरता। लेकिन तुरंत पत्रस ने फिर बोला होगा, उल्टा लटकाओ मुझे, मेरे पैर ऊपर होने चाहिए और सिर नीचे होना चाहिए। सोचिए उस समय सिपाही डर गए होंगे, यीशु ने कैसे फौलाद व्यक्ति पैदा किए, यीशु ने कैसे चेले खड़े किए। आमीन। मारने वाला व्यक्ति मारने वाले लोग खड़े कर सकता है, श्राप देने वाला व्यक्ति हमेशा श्राप देने वाले बच्चे खड़े करेगा, बुराइयां पैदा करने वाले लोग हमेशा बुराइयां पैदा करने वाले लोग ही पैदा करेंगे, चोर हमेशा चोर को खड़ा करता है, लेकिन यीशु भलाइयां करने वाला था, प्रभु यीशु क्षमा करने वाले थे, इसलिए प्रभु यीशु ने 12 चेले खड़े किए और क्षमा करने वाले। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रभु यीशु ऐसे ही लोग खड़े करते आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को ये बात समझ आ रही है? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? तो यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जीवित नहीं हूं, यीशु जीवित है। मैं बोलता तो थक जाता, प्रभु बोलता है तो बाइबल कहती है तुम दौड़ोगे पर थकोगे नहीं, तुम बोलोगे पर थकोगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता तो पसीने से कतराने लगता, पवित्र आत्मा बोलता है तो पसीना आंख में जाए, नाक में जाए, कहीं भी जाए, कोई परवाह नहीं, सिर्फ यीशु का राज्य आगे बढ़ना चाहिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। व्यक्तिगत आपका अंगीकार क्या है? प्रभु के भवन में आकर आप बोर होते हैं, बोर तब होते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हैं। दिल नहीं लगता इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन जो परमेश्वर के नजदीक रहते हैं वो कहते और खिलाओ, हम और खाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्द दुनिया नाश होने वाली है। आमीन। आमीन। हम और तृप्त होना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं रात को 12 बजे, एक बजे 2 बजे कई बार अपने घर आता, मेरी माँ मुझे आकर कहती कि ले खाना खा ले, तू थक गया होगा। मैंने बोला माँ मैं थका नहीं, अभी भी 1:30-2:00 बजे तक यीशु का काम कर सकता। पर मेरी माँ मुझे खाना देती और मैं उस खाने को खाता और खाने के बाद बोलता परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे आज पूरे बल को इस्तेमाल करने के लिए शक्ति दी, इस खाने से मेरे अंदर और ताकत आए ताकि मैं तेरे लिए इस्तेमाल कर सकूं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस खाने को खाकर मुझ में ताकत आए और वो ताकत तेरे लिए इस्तेमाल हो? यदि हाँ तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कभी थकोगे नहीं। आमीन। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।